दोस्तों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नागपुर से दुर्ग के बीच चौथी रेलवे लाइन का काम किया जाएगा। इसके लिए 50 लाख रुपए देकर सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि अभी कलमना से राजनंदगांव तक बिछाई जा रही थर्ड रेलवे लाइन का काम किया जा रहा है और इसके बाद ही इस नई रेलवे लाइन का लेआउट डाला जाएगा। तो आइए आपको बताते हैं नागपुर दुर्ग चौथी लाइन के बारे में कि इसका सर्वे कब शुरू होगा, कब तक सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, इसी के साथ कहां से ये रेलवे लाइन निकलेगी, कितना बजट रहेगा और इस नई रेलवे लाइन की दूरी कितनी होगी। तो अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करें। मथुरा दिल्ली सेक्शन की तरह अब हमारे SECR के नागपुर डिवीज़न में भी चार रेलवे लाइनें हो जाएंगी, क्योंकि 2023 में दुर्ग से नागपुर तक फोर्थ लाइन को मंजूरी मिलने के बाद इसका सर्वे का काम शुरू किया जा चुका है और ये सर्वे इसी साल के मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ पूरी पूरी संभावना है कि इसी साल के नवंबर या दिसंबर से नागपुर दुर्ग चौथी रेलवे लाइन का काम शुरू हो जाएगा, जिससे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ना सिर्फ छत्तीसगढ़ से आने वाली कोयले की मालगाड़ियों के परिवहन में वृद्धि कर लेगा बल्कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, नागपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों की लेट लतीफी दूर करने के साथ नई डेमो और मेमो ट्रेनों का संचालन बढ़ा सकेगा। अभी देखा जाए तो दुर्ग से नागपुर के बीच 42 ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों, आईश्योर की रेलवे नई लाइन को हाई स्पीड ट्रेनों के संचालन को ध्यान में रखते हुए इस ब्रॉडगेज लाइन का निर्माण करेगा। हालांकि इसके लिए आपको अभी एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब नागपुर कलमना राजनंदगांव के बीच 2200 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई जा रही 228 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन का काम पूरा होगा तभी इस चौथी रेलवे लाइन का श्री गणेश हो सकेगा। इस मैप के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये रेलवे इन्हीं पुरानी पटरियों के नज़दीक से निकाल कर ये रेलवे लाइन बनाएगा, जिससे कुछ नए छोटे स्टेशन भी डेवलप हो सकते हैं। जहां अभी वर्तमान में कुछ मेमो ट्रेनें खड़ी होती हैं, उन्हें स्टेशन के तौर पर विकसित किया जा सकेगा। दोस्तों, इससे रेलवे लाइन की लंबाई 270 किलोमीटर होगी। वैसे इसे बनाने में रेलवे को ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि रेलवे के पास अधिकांश हिस्सों में खुद की ज़मीन है। जहां ज़रूरत होगी वहां ज़मीन का अधिग्रहण करने में रेलवे को कोई ज़्यादा परेशानी आने वाली नहीं है। ये प्लस पॉइंट रेलवे के पास है। इस लाइन को बनाने में कितना खर्च आएगा, इसका खुलासा ना तो रेलवे ने किया है ना ही रेल मंत्रालय ने। बाकी इससे जो भी आगे की अपडेट सामने निकल कर आती है आपको फिर एक और वीडियो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।